अभी बज रहा है लगभग 12। ऐसे निकला है ऑफ बीट प्लेस, एक सर्च किया है गोवा में, ये चर्च कितना ब्यूटीफुल है। आते समय देखते हैं हम इसका फोटो निकालेंगे। सेवली अब ये है यहाँ का ऐसे ऑफ बीट लोकेशन, जो ऐसे मैंने गूगल में सर्च करके रफली निकाला। सोचा कि रेगुलर जगह तो हम कितनी बार जा चुके हैं, थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं, अलग कुछ चीज़ देखते हैं। अच्छा लगा मुझे ये चपोरा रिवर है, आई थिंक सो चपोरा रिवर। ये सियोलिम ब्रिज, यहाँ पे आगे जाएंगे तो सियोलिम फिश मार्केट भी है, लेकिन वो एरिया बहुत ज़्यादा रश रहेगा इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया। सोचा कि पहले थोड़ा शांत जगह पे जाके देख लेते हैं, इन्जॉय करते हैं आराम से। होप सबको अच्छा लगता रहेगा। पाम ट्री के सामने, वाह कितना शांति है यहाँ पे। इतना सारा पानी है लेकिन आवाज़ नहीं है, शांत पानी भी कभी कभी अच्छा लगता है। अभी ये तो हो गया ये वाला प्लेस, अभी आगे देखते हैं ऑफबीट लोकेशन क्या है। अरे बाप रे, ये एक जगह मुझे बहुत प्यारी लगती थी लेकिन अभी ये भी फुल कमर्शियल हो गया। पहले ये जगह पे कुछ नहीं था, सिर्फ ये एक मंदिर है कोई तो बाबा का लोकल का, और फुल कमर्शियल हो गया। तो ये एरिया भी मुझे ठीक ठाक लगता है। यहाँ पे रिसोर्ट्स और होटल बहुत ज़्यादा है और अच्छा एरिया है, भी थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी ठीक है। बैंट्रीम और एश्विम बीच का ही खास बात है, सैंड जो है ना फुल सिल्वर वाइट है। हमें क्या यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें जाना है अपने दोस्त के घर पे लंच के लिए, और वहाँ पे जाकर ऐसा पार्टी शार्टी होने वाली है, इसलिए यहाँ पर रुक करके कुछ इंजॉय करना मतलब नहीं, वर्थ नहीं है। जस्ट मेरे दोस्त के घर से निकला है मैंड्रीम से, थोड़ा सा वगैरह वो सब फैमिली वैमिली होता है इसलिए कुछ शूट नहीं किया। लंच अभी जस्ट किया 30 मिनट्स पहले। अभी निकलते हैं हम लोग, मेरी हॉस्टल की तरफ। ये छोटा सा मार्केट है, वाओ नाइस कपल, वाओ क्या ड्रेस है ना, ये देखिए वाओ, जाना चाहिए क्या। महाराष्ट्र में आ गया तो सब कुछ ऐसा टेरेन ही चेंज हो गया है। एक सही लोकेशन लग रहा है मुझे, ये देखो वाह।